नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आत्मचिंतन के क्षण ईश्वर मनुष्य के एक साथ इच्छा जीवन न देकर क्षणों के रूप में देता है। एक नया क्षण देने के पूर्व वह पुराना क्षण वापस लेता है। अतः यह मिल हुए प्रत्येक क्षण का ठीक ठीक सदुपयोग करो, जिससे तुम्हें नित्य नए क्षण मिलते रहे। सीखने की इच्छा रखने वाले के लिए पग पर शीर्षक मौजूद है, पर आज सीखना कौन चाहता है? सभी तो अपनी अपूर्णता के अहंकार के मद में ऐसे ऐठे से फिरते हैं। सीखने के लिए हृदय का द्वार खोल दिया जाए तो बहती हुई वायु की तरफ शिक्षा, सच्ची शिक्षा स्वयं में हमारे हृदय में प्रवेश करने लगे। जीवन के आधार स्तंभ सद्गुण है। अपने गुण कर्म स्वभाव को श्रेष्ठ बना लेना, अपने आमदमों को श्रेष्ठ सज्जनों की तरफ डाल देना वस्तुत ऐसी बड़ी सफलता है जिसकी तुलना किसी के अन्य सांसारिक लाभ से नहीं की जा सकती। इसलिए सबसे अधिक ध्यान हमें इस बात पर देना चाहिए कि हम गुणहीन ही न बने रहे, सद्गुण की शक्ति और विशिष्टताओं के अपने को सुसज्जित करने का प्रयत्न करें। अपव्ययी अपने ही बुरी आदतों से अपनी संपत्ति गंवा बैठता है और फिर दर दर का भिखारी बन ठोकर खाता बिखराते है। वैसे अपना सारा समय निर्थक के शौक पूरे करने में बर्बाद करता रहता है, जिस बहुमूल्य समय में वह कुछ कहने लायक काम कर सकता था वह तो वेतन में पूरे करने में ही चला जाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आत्मचिंतन के क्षण। संघर्ष का ही दूसरा नाम जीवन है। जहाँ सक्रियता समाप्त हुई वहाँ जीवन का अंत समीप्त समझ जाइए। आलसी अकर्मणियों का जीवन अवस्था में भी मृत की संज्ञा दी जाती है। जिसने पुरुषार्थ के प्रति अनास्था व्यक्त की ही वह जीवन के प्रति आस्था ही खो बैठा। मनुष्य की सच्ची वीरता युद्ध के मैदान में दुश्मनों का पराजित करने में नहीं, बल्कि मनोशक्ति के द्वारा अपनी वासनाओं और तृष्णाओं का हनन करने में निहित है। एकांतवासी होने से उदासी पनपति और बढ़ती है। इसलिए लोग के साथ गुलने मिलने की, हंसने खेलने की, अपने कहने और दूसरों के सुनने की आदत डालनी चाहिए। मिलनसार बनने और व्यस्त रहने के प्रयत्न करने चाहिए। अनावश्यक संकोचशीलता को सज्जनता या वडपन का चिन्ह मान बैठता गलत है। गंभीर होना अलग बात है और निंदरों की तरफ डर कर कोण में छिपे बैठे रहना और संकोच में कारण मुंह खोलने का साहस न जुटा पाना दूसरी। आज किसी भी बात के लिए जमाने को जिम्मेदार ठहरा देने का एक रिवाज चल पड़ा है। जमाने का दोष दिया और छुट्टी पाए, किंतु यह सोचने समझने का जरा भी कष्ट नहीं किया जा कि आखिर किसी जमाने का स्वरूप बनाता तो उस समय में आदमियों से ही है। वास्तव में जमाना किसी का बुरा नहीं बनाता, बल्कि मनुष्य की जमाने को बुरा बनाते हैं। यह गुरु सत्य है कि चाहे कितनी ही छिपकर अंधेरे में दीवारों में घेरे के भीतर या चिकनी चिपकी अपेलकर झूठ बोल जाए, झूठा व्यवहार किया जाए, किंतु वह एक ना एक दिन अवश्य प्रकट होकर
रहता है और एक न एक दिन उसके दुष्ट परिणाम मनुष्य को स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।